Today we will start chapter number 5, formatting a word document, exercise revision. First is filling the blanks. One can change the font anytime to give a new look to the document. Answer aega document. यहाँ पर आपको सजेशन दिए गए हैं, उसमें से ये है डॉक्यूमेंट. ब्लैंक ऑप्शन इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सो दैट इट अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन. तो आंसर आएगा हाइलाइटिंग. HIGHLIGHTING हाइलाइटिंग. नाउ नेक्स्ट इज द ब्लैंक एरो इज फाउंड इन फॉन्ट ग्रुप. आंसर आएगा ड्रॉप डाउन. फोर्थ, we can change the line blank by clicking the paragraph dialog box launcher. Answer aega spacing. Now write D for true and F for false for the following statements. So first is, we can make all changes related to the font with the help of font group. Answer true. क्योंकि टेक्स्ट की जो हम चेंज करते हैं तो उसका आंसर क्या है, वो कौन से ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में. तो आंसर आएगा ट्रू. वी कैन नॉट गिव अ डिफरेंट लुक टू अ डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट. आंसर आएगा फोर्स. हम चेंज कर सकते हैं. ओके, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग बोल्ड फ्रॉम फॉन्ट ग्रुप और प्रेस कंट्रोल बी एंड इट विल गिव द स्लांटिंग लुक टू द टेक्स्ट. तो स्लांटिंग लुक कौन से कमांड से आता है, इटैलिक. कंट्रोल आई होती है उसकी शॉर्टकट की. तो यहां पर कंट्रोल बी है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज द शॉर्टकट फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एट द लाइंस एट द लेफ्ट साइड इज कंट्रोल प्लस एल. तो आंसर आएगा ट्रू. ओके, तो ऐसे नहीं याद रखना है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और फिर आंसर बताना है, समझ में आना चाहिए और फिर आंसर बताना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में मैंने यहाँ पर ए बी सी डी कर दिया है, तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना चाहिए, 1 2 3 4 करके उसके बाजू में ऐसे आंसर करना है. तो फर्स्ट इज इटैलिक ऑप्शन. तो इटैलिक ऑप्शन कहाँ है, स्लांटिंग लाइन. तो इट विल गिव द स्लांटिंग लुक टू द टेक्स्ट. तो कौन सा नंबर पर है, सी नंबर. तो यहाँ पर वन के सामने मैंने क्या किया, सी. नाउ नेक्स्ट इज अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट में क्या आएगा, इट मीन्स पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. तो आंसर आएगा डी. थर्ड वन बोल्ड ऑप्शन. तो बोल्ड ऑप्शन में क्या आएगा, इट विल मेक्स द टेक्स्ट डार्कर देन नॉर्मल टेक्स्ट. तो वो थोड़े डार्क हो जाते हैं टेक्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं बोल्ड. नाउ नेक्स्ट इज लाइन स्पेस. तो लाइन स्पेस में क्या आएगा, इट इज अ वर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. तो आंसर आएगा ए. तो फर्स्ट में सी किया है, सेकेंड में डी, थर्ड में बी और फोर्थ में ए. नाउ नेक्स्ट इज वन वर्ड. वन वर्ड करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट ए एल आई जी एन एम ई एन टी अलाइनमेंट. देन आफ्टर सेकेंड है, विच ऑप्शन गिव्स अ लाइन अंडर द सिलेक्टेड टेक्स्ट व्हेन वी प्रेस कंट्रोल यू. कंट्रोल यू करेंगे तो क्या आएगा, अंडरलाइन. जो भी टेक्स्ट को हमें नीचे अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस यू के साथ कर सकते हैं और टूल बार में भी होता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ विच ग्रुप कैन बी मेक ऑल द चेंजेस रिलेटेड टू द फॉन्ट. तो फॉन्ट ग्रुप में सब कुछ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. तो आएगा लाइन स्पेसिंग. तो अलाइनमेंट, अंडरलाइन, फॉन्ट ग्रुप एंड लाइन स्पेसिंग. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच वन ऑफ दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज एंड अरेंज इन फॉर्मेटिंग. तो आंसर आएगा पेस्टिंग. तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, टेक्स्ट होता है, साइज होता है, कलर होता है, पेस्टिंग नहीं होता है. किसमें नहीं होता है, फॉर्मेटिंग में. वुड की शुड बी प्रेस्ड फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक
तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस ई कीज आर यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर, अलाइन टेक्स्ट टू राइट और जस्टिफाई। आंसर आएगा अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर। नेक्स्ट इज दीज आर मेनी फॉन्ट्स अवेलेबल इन अ ब्लैंक डेस्कटॉप, एमएस वर्ड, पेंट, क्लिपबोर्ड। आंसर इज बी एमएस वर्ड। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 5 की। अब नेक्स्ट है चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2007 एंड फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। एमएस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सेकेंड, ब्लैंक इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, सेव अ फाइल एंड क्लोज अ फाइल। आंसर इज ऑफिस बटन। नाउ नेक्स्ट इज इन अ ब्लैंक ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन आर डिस्प्ले वन बाय वन। तो स्लाइड शो मतलब फुल स्क्रीन में हम देखते हैं, ओके तो इसको बोलते हैं स्लाइड शो। नेक्स्ट इज आउटलाइन टेप हेल्प्स टू ब्लैंक द टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आउटलाइन व्यू एडिट। Now, write T for true and F for false for the following statements. In a PowerPoint 2007 presentation is created in the form of slide. True. To apply a theme to the slides, click the design tab. Answer is true. The keyboard shortcut to get the open dialog box is Ctrl plus O. Answer is true. Quick access toolbar contains commands that are not used frequently. Answer आएगा false. Match the following. First is title bar. जैसे ही मैंने पिछले chapter 5 में बोला था A B C D यहाँ पर कर लेना है। तो title bar के सामने क्या आएगा? It display the names of the presentation on which you are working. Slide tab. स्लाइड टैब में आएगा इट डिस्प्ले वेरी स्मॉल इमेज ऑफ ऑल स्लाइड्स। टेक्स्ट बॉक्स, तो इट इज यूज टू एड अ टेक्स्ट टू अ स्लाइड। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में क्या आएगा? इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। तो ये फर्स्ट के सामने सी, सेकेंड में ए, थर्ड में डी एंड फोर्थ में बी। नाउ आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। It contains various and each tab contains a group of commands ribbon. It is used to set margins for the slide rulers. It is used to make the text attractive and effective word art. It is used to add text to a slide text box. So ruler, ribbon, rulers, word art and text box. Multiple choice question. A systematic display of information on a particular topic is called presentation. To enter text in a placeholder blank inside it, click. Which one of these options cannot be added to a presentation color? Blank is used to write notes about the current slides for our reference. Answer is notes pane. तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 5 और 6 का रिवीजन कंप्लीट होता है। आपको लर्न करना है, एग्जाम में प्रॉपर करना है। थैंक यू।